Realme Narzo 10 और Realme Narzo 10 के बारे में बताने वाला हूं, स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूं, प्राइस लॉन्च डेट बताने वाला हूं और कंफर्म्ड बताने वाला हूं स्पेसिफिकेशंस, हवा में बात नहीं करने वाला हूं। तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं कीवर्ड। वैसे Realme ने ये सीरीज जो है वो जबरदस्ती स्टार्ट करी है। इस सीरीज के कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि Realme ने कहा कि Narzo सीरीज जो है वो यूथ को टारगेट करेगी, कैमरे पर फोकस करेगी और परफॉर्मेंस पर फोकस करेगी। भाई Realme के ऑलरेडी जो भी स्मार्टफोन होते हैं वो कैमरे पर फोकस्ड होते हैं और परफॉर्मेंस पर भी फोकस्ड होते हैं। कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जिसमें आपको कैमरा बेकार मिलता है या फिर परफॉर्मेंस बेकार देखने को मिलती है। भाई Realme ब्रांड ही इसी चीज़ पर फोकस करते हैं। तो Narzo का क्या मतलब बनता है? तो शायद ये हो सकता है कि Realme की Narzo सीरीज जो होगी वो और ज़्यादा बजट मतलब उस पर कम प्रॉफिट रखेगी और शायद कम प्रॉफिट पर इन स्मार्टफोन को लॉन्च करे ताकि आपको ज़्यादा बेटर प्राइस पर ये फ़ोन देखने को मिल सकता है, जैसे कि पोको सीरीज है उस तरह से। तो फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं Narzo 10 और Narzo 10 A के बारे में। तो ये दोनों ही स्मार्टफोन जो है वो 26 मार्च को लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में और ये आपको उसके बाद से खरीदने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं Realme Narzo 10 के बारे में। तो Realme Narzo 10 जो है उसमें आपको MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जिसमें आपको 200,000 से भी ज़्यादा एंटीडोस कोड देखने को मिलेंगे। तो इसमें भाई आपको काफ़ी ख़तरनाक गेमिंग होने वाली है, वो भी बजट में, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो लगभग 10,000 की होने वाली है और 10,000 में आपको गेमिंग जो है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और इसमें आपको कैमरे की बात करूं तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वेड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 48 प्राइमरी सेंसर, 119 डिग्री आपको अल्ट्रा वाइड एंगल वाला सेंसर देखने को मिलेगा और 4 सेंटीमीटर का मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा और पोर्ट्रेट सेंसर भी देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले में 6.5 इंचेस की HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी मिनी वाली, मतलब काफ़ी छोटा साइज होगा उसकी वाटर ड्रॉप नॉच का। तो डिस्प्ले जो है HD प्लस की होने वाली है, तो फुल HD प्लस की नहीं होने वाली है। मैं सोचा फुल HD की होती है तो ज़्यादा बेटर रहता। और यहाँ पे इसके बाकी चीज़ों की बात करूँ तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी और इसमें USB टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको इसमें Realme UI आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, वो भी Android 10 के साथ। तो फिलहाल ये स्पेसिफिकेशंस थे, लगभग ये स्पेसिफिकेशंस होने वाले हैं। और इसके वेरियंट्स आपको 3/32 बेस वेरियंट मिल सकता है या फिर 4/64 बेस वेरियंट देखने को मिल सकता है। इसके बारे में अभी कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो लगभग 10,000 होने वाली है या फिर 9,000 होने वाली है, 8 से 10,000 के बीच में इसकी प्राइस होने वाली है बेस वेरिएंट की। और मेरे ख्याल से 9 या 10,000 से इसकी स्टार्टिंग प्राइस होने वाली है, 9 या 10,000 में ज़्यादा बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं Realme Narzo 10 A के बारे में। तो इसमें आपको जो कैमरा मिलने वाला है वो ट्रिपल कैमरा देखने को मिलने वाला है बैक में, जिसमें आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा और आपको एक मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा जो कि 4 सेंटीमीटर का होगा और एक आपका डेप्थ सेंसर होगा। इसमें आपको स्लो मोशन वगैरह भी देखने को मिलेगा, 960 FPS शायद आपको ना देखने को मिले। लेकिन इसमें आपको फ्रंट में जो सेल्फी मिलने वाली है वो 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलने वाली है, ज़्यादा आपको इतने बेटर फ्रंट कैमरा भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें आपको बैटरी जो मिलेगी वो 5000 mAh की देखने को मिलेगी और इसमें काफ़ी अच्छी बैटरी देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगी। इसमें भी आपको 6.5 इंचेस की HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसमें आपको MediaTek Helio G70 देखने को मिलेगा जो आपको Realme C3 में देखने को मिलता है इंडिया में। तो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस भी आपको इसमें मिलने वाली है बेटर कैमरे के साथ। और इसमें आपको ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिलेगा और Realme UI Android 10 पर आपको देखने को मिलेगा और यही स्पेसिफिकेशंस हैं और ये मैंने आपको बता दिया। और इसमें आपको टाइप सी पोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल सकता है। और इसकी प्राइस जो होने वाली है वो लगभग 8,000 से शुरू होने वाली है, 8,000 में आपको 3/32 वेरियंट मिल सकता है या फिर आपको 4/64 वाला वेरियंट भी देखने को मिल सकता है और बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर भी होने वाला है। तो ये बिल्कुल दिखने में Realme C3 के जैसा होने वाला है, बस इसमें फ़र्क इतना होगा इसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएगा और साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा जो उसमें कमी थी। तो बाकी सेम ये Realme C3 की तरह होने वाला है, इसमें आपको ब्लू कलर और रेड कलर का वेरिएंट देखने को मिल सकता है। और Realme Narzo 10 जो था उसमें आपको एक ग्रीन कलर देखने को मिलेगा और एक वाइट कलर देखने को मिलेगा जिसमें ऐसे लाइन से कुछ आपको डिजाइन देखने को मिलेगा जो कि एक नया डिजाइन देखने को लगता है। तो वैसे बता दूं ये रीब्रांडेड फोन आने वाला है, Realme Narzo 10 A जो है वो Realme C3 जो मलेशिया में लॉन्च हुआ था उसका रीब्रांडेड वर्जन आने वाला है इंडिया में। और यहाँ पर जो Realme Narzo 10 होने वाला है
वो रियलमी 6i का रिब्रांडेड होने वाला है, क्योंकि मलेशिया में नहीं म्यांमार में लॉन्च हुआ था वो, ये वेरिएंट आने वाला है इंडिया में, तो इनको रिब्रांड करके लॉन्च कर रहा है। अब रियलमी को ये फ़ोन लॉन्च करने तो सोचा भाई जिस प्राइस में रियलमी C3 है उसी में एक और वेरिएंट ला दे तो क्या करें, और इनको इस 6i भी लॉन्च करना था क्योंकि 5i अभी लॉन्च हुआ था तो उसको कैसे एडजस्ट करें, तो इन्होंने सोचा भाई नई सीरीज बना लेते हैं। और शायद इसका अगर नई सीरीज बना रहा है इसका फ़ायदा तभी होगा जब इनकी प्राइस जो है वो और एग्रेसिव होगी और इसका प्राइस जो है वो कम होगा, ये कम प्रॉफिट रखेंगे तो कुछ बेनिफिट होगा भाई, रियलमी नार्जो सीरीज जो है तभी फेमस हो पाएगी। तो आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके बता देना, और ये स्पेसिफिकेशंस होने वाले हैं और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं।